फ्रेंड्स, जय द्वारका जी, वेलकम टू माय न्यू फ्रेंड्स। तो मैंने ना सुबह सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो अभी घर का ना साफ सफाई वाला काम मैंने कुछ भी नहीं किया। तो देखिए, इधर मैं बना रही हूँ ये मसाला, ना भून रही हूँ राजमा के लिए। राजमा बॉयल है और मैंने ना आटा भी सान के रख दिया है, क्योंकि बस बहुत फुल्का तो नाश्ता हो गया है, लेकिन जो भी चिल्लाते हैं बिना रोटी सब्जी दूध, मतलब वो मानते नहीं, उनको उतना चाहिए ही चाहिए। और माँ जी ना टीवी देख रही है भोजपुरी पिक्चर। तो माँ जी टीवी देख रही है और बाबूजी ना अभी बाहर बैठे हैं। तो मेरा ना राजमा बॉयल हो रहा था, तभी मैंने मसाला भूनना स्टार्ट कर दिया था। तो टाइम मतलब कम लगे और मैं फटाफट उनको रोटियाँ निकाल के दे दूँ, उसके बाद थोड़ा सा वो मतलब दो घंटा एकदम शांति से रहेंगे, फिर छिलाने लगेंगे। चाय उनको बिल्कुल मना है, लेकिन वो मानते ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ, कभी सुगर फ्री डाल के देती हूँ, कभी काली चाय देती हूँ। मेरे से ना काली चाय अच्छी बनती ही नहीं है, कभी कभी वो बोलते हैं कि इसको मतलब चाय भी बना, मुझे काली चाय बनाने नहीं आती, मैंने नहीं बनाई है कभी। तो वो काली चाय जो दिखा के पापा बना के देते हैं उनको। तो अभी ना मतलब मैं सबसे पहले एक ही काम करती हूँ, खाना बनाना और जल्दी जल्दी खाना बनाना। चलिए, इसको ना मैं कंटिन्यू करती हूँ। और मैंने ब्लॉग ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर मैं ना मतलब कुछ भी सूट नहीं कर पाती हूँ। तो कब तक ये ब्लॉग चलेगा पता नहीं, कब एंड करूँगी। तो यहाँ भी देखिए, आलू और राजमा मेरे बॉयल है। तो पहले ना आलू पूरा मैश कर देती थी जब मतलब मैं ये राजमा फ्राई करती थी तब, लेकिन ना इस बार मैं पूरा मैश नहीं करूँगी, क्योंकि आलू चुन चुन के ना अलग करने होंगे, तब मैं उनको राजमा दूँगी। इसलिए क्योंकि फिर मतलब सब उसमें रस घुल जाएगा ना, और आलू देना नहीं है बाबू जी को। तो यहाँ पर बस अब मैं सारे राजमा डाल दूँगी। तो मुझे ना राजमा पहले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे, जब तक तो मेरी शादी नहीं हुई थी। लेकिन शादी के बाद पति देव को राजमा, छोले, पनीर ये सब बहुत अच्छा लगने लगा। तो मुझे भी मतलब आदत डालनी पड़ी। और देखिए, रोटी कितनी मोटी मोटी बनाती हूँ, तो भी भाजी को बोलते हैं कि इससे भी और मोटी रोटी बनाओ, जो कि नहीं बनती है। तो अब तो बाजरा देना स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पर सासू माँ ना ये सजन छिल रही है, तो यहाँ पे ना आंगन बड़ा है तो सही रहता है। और यहाँ पे मैंने ना मटर डाला था, तो मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। और उधर ना वो मतलब सजन तोड़ रही थी, और ये पतिदेव ने ना सेम बगीचे से तोड़ के लाके हॉट पॉट में रखी थी, तो इसमें कौन रखता है। और यहाँ पे ना ये सूप बनाने के लिए सहजन बॉयल कर रहे थे, तो सहजन का सूप बनेगा माँ बाबू जी को देने के लिए। मतलब हम सब पीते हैं, लेकिन आज ना हमने चाय पी ली थी तो सूप नहीं पिया। तो बाबू जी बोल रहे थे कि सिर्फ ना हम दोनों बूढ़ों को दे रहे हैं मारने के लिए, कि सोच रहे हैं जल्दी मर जाए। तो उनके ना घुटनों में भी दर्द होता है, और डॉक्टर ने भी बोला है उनको सहजन पत्ते जो जितना दे सको। लेकिन बाबू जी हंस रहे थे, वो नहीं पीना चाह रहे हैं एकदम से, क्योंकि उन्होंने हमारे अलावा और किसी से सुना होता तो शायद उनका मन करता, लेकिन हम बोलते हैं ना इसलिए वो नहीं पीना चाहते हैं। तो माँ बाबू जी को बोल रही थी कि मतलब जितना आपका बेटा सेवा कर रहा है, आप कभी मतलब करते थे। बाबू जी चाय के लिए बहुत हल्ला करते थे, तो वो बोलती है कि आप तो अपने बाबू जी को डेली बता सा कि चाय बना के देते हैं। तो वो दोनों आपस में ना मतलब बहुत ही ये करते हैं। तो मैं इनको बोलती हूँ, देखिए आपकी माँ तो मुझसे भी ज़्यादा चिल्लाती है बाबू जी पे। मैं भी अपने हस्बैंड पे बोलती हूँ ना, सबको हर वाइफ की आदत होती है अपने अपने हस्बैंड पे बोलने का, और उनसे नहीं बोलेगी तो किसके साथ बोलने जाएगी, किस पे चिल्लाएगी। तो थोड़ा और तो मुझे लगता है माँ तो मतलब हम सब भोभों से आ गए हैं अपने हस्बैंड पे चिल्लाने में। तो यहाँ पे वो लोग खाना खा रहे थे रात का, और सहजन जो माँ ने तोड़ी थी ना, वो मैंने दूसरे दिन बनाई थी। मतलब ना वसंत पंचमी वाले दिन का वीडियो है, तो मैं ना सहजन ही एक दिन पहले मतलब बना रही थी सब्जी, तो उसको छिलने में ना चाकू मेरे अंगूठे में घुस गया था, तो मतलब खून निकल गया था। तो मुझे फिर दिक्कत होती थी, तो मैं अभी ना सब्जी नहीं काट रही थी, तो वही काट देते हैं या मेरे हस्बैंड काटते हैं। तो मुझे अंगूठा में फिर ना मतलब दर्द होता है, बर्तन धोने में भी दिक्कत होता है। तो यहाँ पर ना मतलब सब्जी और रोटी बाबू जी को दे के आई थी, और ये फिर मैं बना रही थी चावल फ्राई। तो उसके लिए मैंने देखी कितनी वेजिटेबल्स
मतलब काटिए, टमाटर है, आलू है, सेम है, मटर है, गाजर है, प्याज वगैरह, और कुछ मतलब बोलना भूल गई तो फिर मेरी बहन बोलती है कि तूने ये दिखाया लेकिन बोला नहीं। मैं बोली समझ जा, दिखा तो देती हूँ ना, तो होता है ना जल्दी जल्दी में बोलने में एक आध आइटम छूट जाती है। तो वहाँ पे मतलब ये बाऊजी का खाना हो चुका था उनका, क्योंकि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। उसके बाद मैं ना चावल बना रही थी, क्योंकि उनको दिन भर मतलब रोटियाँ ही चाहिए, और मैं तो बोलती हूँ उतनी मतलब रोटियों से भी शुगर बढ़ती ही है, बाजरा सही रहता है। तो वो बोलते हैं जानवर वाला खाना कौन खाएगा। तो मैंने ना मतलब चावल फ्राई में किशमिश, काजू और सोयाबीन ये सब कुछ डाला था, और ये देखिए मतलब धनिया अभी लास्ट में डाल, इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा हुआ था। और ये मतलब 14 फरवरी का ही है ये वीडियो, तो हमें जाना था शाम में 5 बजे से, तो रात के लिए भी मैंने सब्जी बना, और मेरे चार फ्राई इतने बच गए थे कि मैंने बाद में फेंके भी थे, मतलब गाय को दे दिए। और देखिए यहाँ पे मैंने शाम में पूजा की थी, तो वसंत पंचमी की पूजा की ना मैंने मतलब विशेष कोई पूजा मैं नहीं कर पाई जैसा हर एक बार करती हूँ, नॉर्मल पूजा पाठ की तरह ही कर दिया। और यहाँ पे हम सब लोग निकल गए हैं, तो 5 बजे बुलाए थे, तो मतलब 6 बजे के बाद ही हम लोग निकल रहे थे, 6:15 बजे तक, और सब कोई ना इकट्ठा होते होते और टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे ना ये हमारी न्यू फ्रेंड्स ना हमेशा भागती रहती है वीडियो में आने से। तो हमारी कॉलोनी से ना दूसरे साइड मतलब उनका घर था, तो वहाँ जा रहे थे, तो मुझे ना अपनी साड़ी बहुत अजीब लग रही थी आगे से, कि मतलब मेरी प्लेट कितनी अजीब लग रही है। मैं पहन रही थी तब ऐसा नहीं लग रहा था, तो ये साड़ी मैंने ना कविता की शादी में भी पहनी थी, तो बहुत ही अच्छी पहन आ गई थी, लेकिन आज मेरे से प्लेट मतलब हो ही नहीं रही थी। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं सरस्वती पंडाल में, जहाँ पूजा हो रही थी। तो चलिए मैं ना आपको सबकी ओरिजिनल वॉइस ही सुनाऊँगी, यहाँ पर मैं ज़्यादा एडिट नहीं करूँगी, तो आप सुनिए और दर्शन करिए। तो मतलब 3-4 घंटे का था, लेकिन मैंने सिर्फ 10 मिनट का ये वीडियो डाला होगा इसमें। ओम राजा अस्माकं ब्राह्मणं गुरुजो दधि सूत्राणां शिरो धन्य संभवं ज्योतिस्मिन् शरणं तो ममोहम्यम् ओम सौंदर्यनाथ रिदिमा वो तुम्हारी टीचर है ना, वो ग्रीन साड़ी वाली, तुम्हारी टीचर है ना ग्रीन साड़ी वाली। ओम वनस्पति रसत्व को गंधार्दो गंधत्व का आग्रहण पर निवारण। ये सेंड कर देना फोटो, ठीक है? तो मम्मी से, मम्मी फोन से ले लेना।
वो आंटी नजर नहीं आ रही है। दिख नहीं रहा है। यहाँ यहाँ इधर इधर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ना ओरिजिनल आवाज़ ही मतलब मैं रखी, ज़्यादा म्यूट नहीं करी, और मैंने सिर्फ 10 मिनट का वीडियो इसमें डाला है। और पूजा तो 5 बजे से लेके हम घर पहुँचे तो 8:45 हो रहा था, और माँ बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही थी। ए पूछ की तुम तो करके नहीं खोली तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मुझे आवाज़ म्यूट करनी पड़ी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ही हल्ला मतलब चिल्ला रहे थे इतना कि इसमें मतलब पूजा पाठ का कोई आ ही नहीं रहा था, आवाज़ सिर्फ बच्चों के चिल्लाने का आ रहा था। हाँ आरती आंटी नहीं रुको, हाँ वीडियो ना निश्वाद की दी बाथरूम में
हमारे फोटो में मस्त आया है और आपका आगे तो बैठे ना ये लिख लिया था आपका सबसे मस्त आया है वही बोल रहे थे ये बैठ जाओ पीछे आदमी है ना पीछे दिखाई देगा बैठ जाओ चल ही रहा था लेकिन फिर मैं यहाँ से बस मेरी लास्ट क्लिप है मैं निकल गई थी और पहुँची तब तक तो सासू माँ बड़ी ज़्यादा गुस्से में थी कि इतना टाइम लगता है तो मैं उनको वीडियो दिखा रही थी देखो यही पूजा हो रही थी तो बाबू जी को कुछ प्रॉब्लम रहती है इस वजह से मतलब वो साथ में नहीं चले वो इतनी देर नहीं बैठ पाते इसलिए तो फ्रेंड्स चलिए मुझे लगता है इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ और सरस्वती माता हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए फ्रेंड्स जय द्वारका फ्रेंड्स।